स्पाइरुलिना एसिडिटी को कम करता है, जवान रखता है, युवा रखता है। स्पाइरुलिना में हम अगर बात करें तो इसमें जो पोषक तत्व हैं वो दिल को स्वस्थ रखते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर जो तत्व हैं उससे जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, जिससे हार्ट अटैक के खतरे कम होते हैं। प्रेगनेंसी में स्पाइरुलिना जब भी लें तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। प्रेगनेंसी में आयरन बहुत कम होता है, कैल्शियम कम होता है, तो स्पाइरुलिना में आयरन की मात्रा पालक से मैंने जैसे बताया 5000% ज़्यादा होती है, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया को दूर करने के लिए बड़ा उपयोगी है। बुजुर्गों में रक्त की कमी होती है, एचबी की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए भी यह स्पाइरुलिना विशेष रूप से उपयोगी है। त्वचा के लिए, स्किन के लिए यदि हम बात करें तो स्किन की टोन को ठीक करता है। स्पाइरुलिना में जो जरूरी विटामिन हैं वो सारे पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन ई, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये पाए जाते हैं और ये स्किन की टोन को चमकदार बनाते हैं। हम कई बार देखते हैं ना कुछ लोगों की स्किन डल होती है, कुछ लोगों की स्किन की टोन बहुत अच्छी होती है, जवान दिखती है, तो ये काम ये स्पाइरुलिना करता है। इसके साथ साथ शुगर में, जिनको शुगर है, मधुमेह है, उसमें भी स्पाइरुलिना काफ़ी काम करता है। शुगर के लेवल को नेचुरली कम करता है। हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करता है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाता है। अल्सर में, जिनके पेट में अल्सर हो जाता है, उसमें इसके अंदर जो स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोटीन होती है, देखिए जो प्रोटीन बनती है ये प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है। उसमें से कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो हमें केवल खाने से मिलते हैं, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो इस स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड हैं वो 9 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और वो सब हाई क्वालिटी एमिनो एसिड हैं। हाई क्वालिटी का प्रोटीन इसमें स्पाइरुलिना में पाया जाता है। हमारे पेट में अल्सर होता है तो पेट में छोटी आंत बड़ी आंत के अल्सर में इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। कैंसर में भी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। कई बार डॉक्टर हमें कहता है कि आपको तो कमजोरी है, विटामिन कम है, विटामिन बी कम है, ई कम है, विटामिन डी बॉडी हमारी खुद बनाती है, लेकिन जब हम इस प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। विटामिन डी के लिए हमें 40 मिनट तक 40% हमारा हिस्सा खुला हो और एक साल में 40 दिन यदि हम धूप में रहते हैं। विटामिन डी का फार्मूला क्या है, 40% शरीर खुला 40 दिन तक 40 मिनट प्रतिदिन। अगर हम धूप में रहते हैं तो विटामिन डी हमारा कम नहीं हो सकता। तो कई बार जब हम जाते हैं तो आज भारत में विटामिन डी कम होना, विटामिन बी कम होना, B12 कम होना, ये बड़ी समस्याएं हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको विटामिन बी लेना है, कुछ दूसरी चीज़ें लेनी है तो आप मछली का तेल लें, आप अंडा खाइए, आपको मीट खाना पड़ेगा, आपको मांस खाना पड़ेगा। भारत में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर बड़ी संख्या एक ऐसे लोगों की है जिन्होंने जिंदगी में कभी अंडा या मीट देखा नहीं है। तो ये स्पाइरुलिना उन सात्विक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब ये शरीर में थकान होती है, शरीर में जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, और माताओं बहनों को तो ये बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मीट मांस खाने के लिए कहता है। और कई बार जो हेल्थ कैप्सूल बाजार में आए हुए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, अलग अलग खान टाइप के से फिल्म स्टार, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार माने जाते हैं, वो उसकी ऐड करते हैं। उसमें कैप्सूल के बाहर के कवर से लेकर अंदर तक वो सारा मांसाहार का बना होता है, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो हमें वो री से लेकर जो तमाम नामों के अलग अलग आते हैं उनका प्रयोग करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये स्पाइरुलिना ऐसा वनस्पति का प्रोडक्ट है जिसको हम प्रयोग करके अपने शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति पा सकते हैं।